सुप्रभात, मेरा नाम मोहम्मद जरिया बिरतेज़ा है। मैं स्पार्कल्स अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मेरा विषय जो है वो हिंदी में है। आज मैं आपके सामने एक पीपीटी प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि कोविड-19 या कोरोना वायरस के बारे में है। अब मैं अपने सम्मानित हमारे मार्गदर्शक श्री माननीय मनोज कुमार बुरबुरे सर और हमारे प्रधानाचार्य श्री माननीय रॉबी सर का उल्लेख करते हुए अपनी पीपीटी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज के जो हमारे उप विषय जो हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा विस्तार में जानेंगे, वो हैं कोविड-19, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कोरोना वायरस के फ़ायदे, कोरोना वायरस के नुकसान, कोविड-19 के कारण उच्चतम मामलों और मौतों वाले देश, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस बीमारी के रोकथाम और मास्क। तो अभी हम कोरोना वायरस बीमारी या कोविड-19 के बारे में थोड़ा बहुत विस्तार में जानेंगे। कोविड-19 नए कोरोना वायरस के नाम से भी जानी जाती है। यह बीमारी दिसंबर 2019 में चीन में बाहर आई थी। और कोविड-19 के लक्षणों में खांसी, बुखार, सरदर्द, थकान या कभी कभार मतली या उल्टी भी, और सांस लेने में तकलीफ़ या कठिनाइयां भी होती हैं। कोरोना वायरस बहुत जानलेवा बीमारी है, जिसके कारण अभी तक दुनिया में बहुत सारे मौतें हुई हैं, खासकर कि बूढ़े लोगों की या फिर जो लोग 50 वर्ष से ज़्यादा हैं उनकी। और कोविड-19 गंभीर भी हो सकती है। अभी तक कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं बनी है, जिसके कारण अभी भी लोग डरे हुए हैं। बहुत सारे लोग के मनों में प्रश्न और भय होता है कि कोरोना वायरस को हमें हो गया तो क्या होगा। बल्कि पर डरने वाली और चिंता करने वाली बात कोई नहीं है। अभी हम थोड़ा बहुत कोरोना वायरस के बारे में विस्तार में जानेंगे। कोरोना वायरस कैसा फैलता है? कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के और बूंदों से फैलता है। जब कोई खांसे या छींके, उसके बूंदें दूसरे इंसान के ऊपर अगर गिर जाती हैं या फिर उसके संपर्क में आता है, तो उससे कोरोना वायरस फैलने की ज़्यादा क्षमता रखता है। अभी तक कोरोना वायरस से कोई वैक्सीन नहीं बनी है। सिर्फ रोकथाम में बार बार हाथ धोना या अपनी कोहनी से मुंह ढक लेना, जब भी खांसी और छींक आई तो दस्ती से या फिर अपने कोहनी से मुंह ढकना, ये सब हमारे कोरोना वायरस के रोकथाम में आते हैं। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। कोविड-19 या कोरोना वायरस दुनिया भर की सबसे तेज़ी से फैलने वाला जानलेवा एक इन्फेक्शन बन चुका है, जिसके कारण सब लोग डर रहे हैं, सबके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। और यह इस कारण दुनिया भर की कई देशों में लॉकडाउन और कर्फ्यू चला हुआ है। अब जब बीमारी इतनी खतरनाक और इतनी डरावनी हो, तो आवश्यक बात है या फिर जाहिर सी बात है कि सबके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठेंगे। जैसे कि कोरोना वायरस से डर रहे हैं लोग, किसी के मन में भ्रम आ रहे हैं, तो किसी के मन में प्रश्न या फिर किसी के मन में कंफ्यूजन हो रही है। तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत अभी विस्तार में जानेंगे मेरे पीपीटी में। तो आगे बढ़ते हैं, अभी हम अगला जो हमारा उप विषय है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है कोरोना वायरस कहाँ से आया। कोरोना वायरस बीमारी के बारे में माना जाता है कि यह बीमारी चीन के एक शहर में, जो कि वुहान के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से बाहर आई है। कि पूरी यह व्यक्ति चीन का एक शहर नाम वुहान, वहाँ से एक व्यक्ति ने एक जानवर खाया था जो कि चमगादड़ भी कहा जाता है। चमगादड़ खाने की वजह से उसके अंदर वह संक्रमित हो गया था। बाद में वह दूसरे लोगों से मिलना शुरू किया, जिसके कारण वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी फैला रहा था। लेकिन हम अभी भी निश्चिंत नहीं हैं कि कोरोना वायरस यहाँ से बाहर आया था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अभी भी खोजने की कोशिश की है, पर हम अभी भी निश्चिंत नहीं हैं उसको लेकर। अभी अब आगे बढ़ेंगे, जानेंगे थोड़ा बहुत कोरोना वायरस के फ़ायदों के बारे में। कोविड-19 महामारी और उसके बाद वाले लॉकडाउन के दौरान भारत में वायु प्रदूषण बहुत कम हो चुका है। पहले से देखा गया तो भारत का वायु प्रदूषण बहुत घट चुका है।
लाखों लोगों के लिए वायु प्रदूषण घटने के कारण के वजह से लोगों के लिए साफ आसमान और स्वच्छ हवा का आशीर्वाद बन चुका है। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण पूरे कुल मिलाकर 1.3 बिलियन की आबादी प्रभावित हो चुकी है। बहुत से लोग घर पर रहकर दिन प्रतिदिन अपने और लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर रह रहे हैं, जिसको अभी तक यह बीमारी ज़्यादा प्रभाव नहीं कर रही है, जिनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं कर रही है। भारतीय शहरों में जैसे कि दिल्ली या फिर और दूसरे बहुत से शहरों में, या जो लोग पहले बहुत घुटन महसूस करते थे को जिसकी वजह से ना जो कि वायु प्रदूषण की वजह से जो लोग बहुत घुटन महसूस करते थे, उनके लिए अभी एक साफ आसमान और खुला आसमान मिल चुका है। जो क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत घट चुका है इंडिया में और हमारे भारत में और बहुत सारे अन्य देशों में। विश्व स्तर पर जो लोग जो बीमारियों से पहले से जो अस्वस्थ थे, उनको अभी ये कोरोना वायरस बहुत अच्छा ये अच्छा ऐसे ये कर रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और जिन लोगों के लिए फेफड़ों को जिन लोग जो लोग फेफड़ों के कैंसर थे फे जिन लोगों को फेफड़ों का कैंसर था, या फिर फेफड़ों से जुड़ी हुई कोई बीमारी, या फिर स्ट्रोक, या फिर जैसे वैसे बीमारियां होती थी, उनके लिए अभी यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी ज़्यादा वायु प्रदूषण नहीं है, जिसके कारण उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। लोगों ने घरों में रहना शुरू कर दिया है कोविड-19 को अधिक फैलने से रोकने के लिए, जिसके कारण लोग अब जो घर पर रह के अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना शुरू कर चुके हैं। और दिल्ली जैसे शहर में पूरा वायु प्रदूषण बहुत घट चुका है, जो क्योंकि वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल या फिर वाहनों का ज़्यादा उपयोग नहीं हो रहा है, अभी ज़्यादा पूरा वायु प्रदूषण कम हो चुका है। और हमारे जो पहले से हम अगर ये करेंगे तो अगर पहले से हम देखा गया तो जो कि पशु है और हमारे जो जानवर हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे वाहनों के ज़्यादा उपयोग के कारण बहुत सारे पशु मर चुके थे। पशु और जो हमारे या जानवर थे वो बहुत गंभीर हालत से गुजर रहे थे और मर भी रहे थे, तो अभी वो भी कम हो गया है, जानवर ज़्यादा दिखने को मिल रहे हैं, खास करके पशु पक्षी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है अगला पॉइंट जो है, यहाँ तक कि छात्रों और शिक्षकों ने एक दूसरे के साथ बातचीत और या फिर सीखना सिखाना शुरू कर दिया है, जो कि ऑनलाइन क्लासेस के जरिए शुरू कर दिया है। यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी इस महामारी के कारण घर से सीखना और सिखाना एक नया अनुभव है। हम घर में अंदर रह के बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जिनके कारण हम अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त रख रहे हैं। परिवार, दोस्तों और समुदाय का महत्व भी जान गए। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हम जो कोरोना वायरस के जो लाभ हैं, पहले कैसा था दिल्ली, दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत था, अब वाहनों के और कम होने के कारण दिल्ली का वायु प्रदूषण बहुत कम हो चुका है और जल का प्रदूषण भी बहुत घट चुका है। और हम देख सकते हैं कि शिक्षकों और छात्रों ने अपने बातचीत और अपनी पढ़ाई और जो कुछ भी सीखना सिखाना है वो अपने ऑनलाइन के द्वारा किया है। अभी मैं इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ हमारे अगले उप विषय पर, जो कि है कोविड-19 के नुकसान। कोविड-19 के नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है, जो बहुत सारे लोग मर चुके हैं। कोविड-19 उन लोगों के लिए बहुत खतरनाक है जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दूसरे विभिन्न प्रकार के समस्याओं फेफड़ों की समस्याओं या फिर जो विभिन्न प्रकार के अस्वस्थ हैं, उनको बहुत प्रभाव पड़ता है। और जो लोग खासकर कि जो लोग 50 वर्ष से ज़्यादा या फिर 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन्हें भी ज़्यादा प्रभावित करता है। और जो लोग 30 साल के या उसके नीचे हैं, उन्हें ज़्यादा उतना खतरा नहीं है, यहाँ तक कि बच्चों को, छोटे बच्चों को और ज़्यादा बूढ़े लोगों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है कोरोना वायरस कोविड-19।
और ये अधिक प्रभाव इन्हें अधिक प्रभावित करता है, और वे अधिकांश मामलों से ठीक होके वापस आने के ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। और हमारा अगला जो पॉइंट है वो है बड़े व्यापारियों और कई अन्य बड़े कंपनियों के लिए यह बहुत अर्थव्यवस्था और धन्य का भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि लोग घरों में रहना शुरू कर देते, क्योंकि सरकार ने आदेश दे दिया था कि वह लोग घर के बाहर ना जाए और लॉकडाउन का कुल लॉकडाउन का पालन करें। और यह सरकारी लोगों के बच्चों के लिए उनका वेतन नहीं मिल रहा था, जिनमें से कई ऑटो वाले या छोटे कर्मचारी और मजदूर थे, उनको अपने परिवार का पेट भरने के लिए आवश्यक मत नहीं मिल रहा था। देशों की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन बहुत कम होते जा रही थी, जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं और संकट का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग बाहर जा नहीं रहे थे और कोई कमा नहीं रहा था, और लोगों को भोजन भी इसमें देना पड़ रहा था, भोजन भी मुफ्त का भोजन देना पड़ रहा था जो लोग गरीब थे। अभी इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है देशों ने राजनीति और सामाजिक समस्याओं का भी सामना किया, जैसे कि दुनिया भर में डॉक्टर और अस्पतालों की कमी थी, डॉक्टर बहुत कम थे वहाँ, जहाँ की जाने संख्या बहुत ज़्यादा थी देशों में, जिन्हें ठीक किया जाना आवश्यक था। उसी के साथ साथ अस्पतालों, वेंटिलेटर और मरीज़ों के लिए बेड भी नहीं कम थे। डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने के लिए अस्पतालों में हर दिन 24 घंटे काम करना पड़ता था, बिना कोई रोक के। चीन और जापान जैसे देशों में रोगियों के लिए कुछ ही दिनों में नए अस्पताल बनाए जा रहे थे, जिसके लिए भारी निवेश किया गया था। सरकारों को देश के गरीब लोगों को मुफ्त में भोजन वितरित करना पड़ा, क्योंकि उन्हें काम वगैरह नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उनको खाना और भोजन और थोड़ा बहुत धन भी देना पड़ा। और कोरोना वायरस के कारण हमने अपना पूरा समय घर पर बिताना शुरू कर दिया था, हम बाहर जा नहीं रहे थे, जिसके कारण हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। अगर हम अब कोविड 19 के संपर्क में आते हैं तो हमें बहुत खतरा हो सकता है, और यह कोरोना वायरस हमारे लिए बहुत खतरनाक है। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है मास्क, सैनिटाइज़र और दस्ताने और हैंड वॉश लिक्विड जैसे की मांग बहुत बढ़ रही थी, जैसे कि यह बहुत अब बहुत ये इम्पोर्टेंट था, तो लोगों के बीच इनकी मांग बहुत बढ़ रही थी, और दिन प्रतिदिन यह जो सैनिटाइज़र और मास्क बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर बहुत दबाव पड़े जा रहा था सरकार की तरफ से। तो अभी हम यहाँ पर उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि जीडीपी बहुत गिर गई थी और लोगों को कोविड-19 के कारण पैसे नहीं कमा पा रहे थे, और रोगियों की क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, बच्चे अपना पूरा समय पढ़ाई में जो कि ऑनलाइन बिता रहे थे और अपना पूरा समय ऑनलाइन थे, उनके कारण उनके आँखों पे बुरा प्रभाव पड़ा और उनकी सेहत पे बुरा प्रभाव पड़ा, और जॉब्स या मतलब नौकरियों की कमी हो रही थी पूरे हर देशों में। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अपने अगले उप विषय पर, जो कि है कोविड-19 के कारण उच्चतम मामलों और मौतों वाले देश। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, हम जो हमारे शीर्ष 10 जो देश हैं वो है USA, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, पेरू, मेक्सिको, कोलंबिया, चिली, स्पेन। हम देख सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है वह अभी तीसरे नंबर पर है, जो कि बहुत ज़्यादा कुल मिला के जो मामले हैं बहुत ज़्यादा हैं, और हर दिन 4000 से 6000 नए केसेस आते हैं, और अभी तक पूरे कुल मिला के मौत करीब 60,000 के करीब हैं, और हर दिन ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा लोग मरते हैं इंडिया और इंडिया के शहर में।
हमारे भारत में लगभग 2.7 मिलियन की जो लोग हैं वह कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं, और जो अभी तक कोरोना वायरस से मरम्मत होकर वापस आ चुके हैं वह उनकी तादाद 1.98 मिलियन है, और जो लोग मर चुके हैं वह करीब 50,000 से 60,000 के बीचों में हैं कहीं पर। इससे ज़्यादा खुशी की बात जो है, हमारे भारत में जो लोग ज़्यादा लोग जो कि मरम्मत होके आ चुके हैं, जो कि ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस से। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कोरोना वायरस के लक्षण के बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस के लक्षणों में जो आता है वह है, COVID-19 अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रभावित करता है। कोई लोग को ज़्यादा लक्षण नहीं दिखाते हैं, तो वहीं कई लोग को कई कुछ ज़्यादा और बहुत सारे लक्षण को देखने को मिलते हैं। जैसे कि सबसे आम लक्षण जो है बुखार, खांसी और सूखा गला और थकान। फिर उसके बाद जो है कम सामान्य लक्षण जो हैं, दर्द, गले में खराश, फिर दस्त, सिर दर्द और स्वाद या गंध का नुकसान। और लोगों और आगे बढ़ते हैं, हमारा जो और दूसरे जो गंभीर लक्षण जो हैं वह है सांस लेने में कठिनाइयाँ या सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या दबाव, भाषण या आंदोलन का नुकसान। अभी मैं आगे बढ़ना चाहूँगा अपने हमारे अगले उप विषय पर, जो कि है कोरोना वायरस के रोकथाम। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हम अपने हाथों को बार बार साफ़ करते जाएं। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र से भी हम अपने हाथों को बार बार साफ़ धोते रह सकते हैं। खांसी या खांसने वाले या छींकने वाले व्यक्ति से एक अच्छी दूरी बनाए रखें। जब आपको ठीक महसूस ना हो तो आप मास्क पहन कर रहें। अपनी आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। जब आप खांसने या छींकने पर अपनी नाक और मुंह को ढक लें, या तो आपकी मुड़ी हुई कोहनी से या फिर कोई दस्ती से। आपको जब अस्वस्थ महसूस हो रहा हो तो आप घर पर ही रहें और प्रिकॉशंस लें। और यदि आपको बुखार, खांसी या कोई भी लक्षण हैं तो आप जाकर अपने डॉक्टर को बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना अगला उप विषय पर आगे बढ़ता हूँ, जो कि है मास्क। मास्क एक हमारे मुखट पहनने वाले व्यक्ति को अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है और कोरोना वायरस से बचा कर रखता है। और यदि आपको अगर को आपको भी COVID-19 है तो आप दूसरों को बचाने के लिए मास्क का उपयोग कर सकते हैं, आप मास्क पहने रह सकते हैं। यदि मास्क नहीं बल्कि आप मास्क के साथ साथ सैनिटाइज़र भी रखना चाहिए। केवल मास्क आपकी आपको सुरक्षित नहीं रख सकता, आपको सैनिटाइज़र भी रखना चाहिए और आपके हाथ को बार बार साफ़ करते रहना चाहिए। अभी इसी के साथ मैं अपनी PPT की प्रस्तुति यहीं पर ही समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।